हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें देसी में सीखो चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हो देसी में सीखो। दोस्तों वर्डप्रेस के इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। चलिए SSL सर्टिफिकेट होती क्या है सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ, तो क्योंकि काफ़ी लोग सुन करके पहले परेशान हो जाएंगे कि ये क्या बात आ रहा है। मतलब किसी को नॉलेज होता है किसी को नहीं होता है, वो कॉमन सी बात है, बट जिसे नहीं पता उसके लिए मैं बता दूँ। SSL सर्टिफिकेट एक्चुअली आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है। आपको वेबसाइट में जब तक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी। कोई भी हैकर कभी भी उसे हैक कर सकता है उस वेबसाइट को। तो उसे आप कैसे जानेंगे कि आपका साइट सिक्योर है या नहीं, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा आपको? आप अपने वेबसाइट में जब एंटर होंगे तो यहाँ पे देखिए HTTPS आ रहा है ना, यहाँ पे इसका मतलब ये सिक्योर है। HTTPS मतलब सिक्योर है, HTTP है तो वो सिक्योर नहीं है। HTTPS आपका कब आएगा? जब SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट में यहाँ पे HTTPS ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब आपका साइट फुल्ली सिक्योर हो गई है। बस यही है SSL सर्टिफिकेट, जो कि काफ़ी महंगी महंगी प्राइस में मिलती है। गोडेडी में, हॉस्किटर में, कहीं पे भी होस्टिंग वेबसाइट में जाके देखें आप SSL सर्टिफिकेट का प्राइस देखें, टू मच आते हैं। टू मच मतलब खरीदने का मतलब थोड़ा मुश्किल होता है खरीदना, जो हम जैसे लोगों के लिए जो कि डोमेन होस्टिंग किसी तरह लेके मैनेज करते हैं, तो उसके लिए SSL सर्टिफिकेट परचेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो वो आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम फ्री में करने वाले हैं। वो आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम फ्री करने वाले हैं, आप अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में बिल्कुल फ्री तरीका से SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेंगे और आपको कब एक रुपया भी पे नहीं करना होगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, सिंपली हम इस तरीके को देखते हैं कि कैसे अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने देसी में से कोई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं अक्सर लाता रहता हूं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग उस ईमेल आईडी पे चले आते हैं। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आ गया। अब ये मेरे जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोमेन को कनेक्ट करके होस्टिंग से दिखाया था, डाउनलोड PCNow, ये वेबसाइट है मेरा, ये इसका डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, ये वो वेबसाइट है। इस पर मैंने अभी फुली तरीके से काम नहीं किया, कुछ काम किया इस पर, बट मेन मकसद मेरा आज का ये दिखाने का है, ये इसे सिक्योर करने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, देख सकते होंगे आप, नॉट सिक्योर downloadpcnow.com। ठीक है, ये सिक्योर नहीं है। अभी HTTPS यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। इसे सिक्योर करना ज़रूरी होगा। अगर आपके पास भी नहीं है वर्डप्रेस का वेबसाइट में तो ये तरीका फॉलो करें, उसे सिक्योर करें जल्दी। ठीक है, और ये चीज़ ब्लॉगर में फ्री होती है। आप ब्लॉगर का वेबसाइट कभी खोलेंगे यहाँ पर, वहाँ पे देखें लिखा होगा HTTPS। अगर नहीं आ रहा HTTPS तो आप हमें कमेंट करें, वो भी मैं तरीका बता दूँ। उसमें कुछ सेटिंग्स होते हैं वो करनी पड़ती है आपको, लेकिन हाँ वो HTTPS हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। तो इसे कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते चलो गूगल पे चलाते हैं। सबसे पहले गूगल पे आते ही आपको एक वेबसाइट में जाना होगा, जिस वेबसाइट का नाम है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर गूगल में जब सर्च करेंगे आपके पास कुछ रिजल्ट्स खुलेंगे। पे देखिए cloudflare.com पे आ जाते, इस ओपन कर ले इस लिंक को, ये क्लाउडफ्लेयर का वेबसाइट खुल गया। अब यहाँ पे आपके पास अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन कर ले, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो साइनअप कर ले। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है, इसलिए अगर आप नहीं भी किए तो बहुत ही ईजी है, साइनअप पे क्लिक करके मैं दिखा दूँ आपको। सिंपल आपको मेल आईडी डालना, पासवर्ड डालना, एक क्रिएट अकाउंट, बस मतलब क्रिएट अकाउंट क्रिएट हो गया, इसलिए उतना मुश्किल नहीं है, सिंपली आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं तो क्रिएट कर लिया ऑलरेडी, तो मैं साइन इन लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। यस, देख सकते हैं आप मैं लॉगिन हो गया। अभी मैंने इस मेरा जो क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट है, इस अकाउंट से दो वेबसाइट को मैंने SSL सर्टिफिकेट लिया हुआ, जो कि यहाँ पे आप दोनों आपको दिख रहे हैं, desimesico.in एक freelancesite.com, ये भी मेरा ही है। ये दोनों वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिव लिखा होता है। एक ईमेल आईडी से मतलब एक बार आप अकाउंट क्रिएट कर लिए क्लाउडफ्लेयर में तो जितना मन चाहे उतना वेबसाइट को आप SSL सर्टिफिकेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो ये दोनों मैंने कैसे किया वो सेम तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। या जब आप लॉगिन कर लेंगे या साइनअप कर लेंगे इसमें, तो यहाँ पे आपको ऐड साइट का ऑप्शन आ रहा है, अभी यहाँ पे भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। जब अब नहीं वेबसाइट ऐड नहीं रहेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये दोनों ऐड साइट का, लेकिन ऑप्शन जरूर आएगा। ऐड साइट पे क्लिक करेंगे आप, देन यहाँ पे उस साइट का URL डालेंगे आप। ठीक है, URL डालेंगे विदाउट WWW और विदाउट HTTPS का। तो जब मैं यहाँ पे चले आता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, Ctrl+C, देन अगेन यहाँ पे, देन Ctrl+V, इसे यहाँ से डिलीट कर दे, है ना। downloadpcnow.com एड साइट पे क्लिक करें। देखिए अब यहाँ पे कुछ DNS सेटिंग्स को वो रिकॉर्ड को जो है वो चेंज करने बोल रहे हैं। ठीक है, वी एक्वायरी योर DNS रिकॉर्ड। अब ये प्रोसेस तो मुझे पता है, इसलिए मैं वीडियो में कंटिन्यू आपको जैसे बताते जा रहा हूँ। सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे प्लान चूज करने बोला कि कौन सा प्लान, अभी इसमें भी परचेज करना पड़ता है, बट डजंट घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग परचेज नहीं करने वाले, फ्री प्लान को यूज़ करने वाले हैं। तो फ्री प्लान को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, देन कंफर्म प्लान।
अब यहाँ पे देखें फ्री प्लान वन वेबसाइट फ्री, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देन कंफर्म, कंफर्म कर दिया हम लोगों ने। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा, देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा, DNS क्वेरी रिजल्ट फॉर डाउनलोड PCNow.com। अब यहाँ पे क्या करना, सबसे नीचे जाना आपको, यहाँ से यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना ज़्यादा आपको, सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने करते यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है चेंज योर नेम सर्वर। अब यहाँ पे जो नेम सर्वर है आपके पास, जो जहाँ से भी डोमेन लिए होंगे उस डोमेन का DNS में जाए और ये नेम सर्वर को प्लेस करें वहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अपने GoDaddy से लिया, मैं GoDaddy पे आ गया, ये मैं दो वेबसाइट मेरा ऑलरेडी SSL सर्टिफिकेट है दोनों में, इसमें नहीं है DownloadPCNow.com, इसके DNS पे ओपन करते हैं यहाँ से। और एक बार जब DNS को आप रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से कुछ भी ये DNS का सेटिंग्स नहीं होगा, सारा क्लाउडफ्लेयर से सेटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे DNS पे आगे रिकॉर्ड पे हम लोग, देन सबसे नीचे यहाँ पे देखें नेम सर्वर चेंज पे क्लिक करा, चेंज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट दिया हुआ, यहाँ पे कस्टम पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वन एंड टू दो सर्वर नेम डालने बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे दो मिला हुआ, फर्स्ट वाले को कॉपी किया, यहाँ से जस्ट कॉपी पे क्लिक करें, देन यहाँ पे उसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। अगेन सेकंड वाला को कॉपी, देन यहाँ पे उसे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया। बस दोनों को पेस्ट करते ही यहाँ पे सिंपली करना है आपको सेव। अब यहाँ पे देखो कुछ मैसेज आ रहा है आपको, ये कुछ देर में हट जाएंगे यहाँ से, देखें अभी आ रहा है यहाँ पे DNS का जो भी रिकॉर्ड देना, यहाँ कुछ भी दिखना बंद हो जाएंगे, अब देखेंगे आप यहाँ पे, देन यहाँ पे मैंने डाल दिया, देन कंटिन्यू। अब ये क्या लिख रहा है, स्टेटस वेबसाइट नॉट एक्टिव DNS मॉडिफिकेशन पेंडिंग, ये अभी पेंडिंग में है, ये आपको 2-4-5 मिनट लेके, ऐसे तो बोलते हैं कि 24 आवर टाइम लगता है, बट आपको मुश्किल से 5-10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे में ये कंफर्म हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा आपका वेबसाइट। इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख लेते हैं अगेन, देखिए अभी भी पेंडिंग बता रहा, अभी GoDaddy पे आते इसे भी देख सकते हैं हम, यहाँ ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हो गया रिकॉर्ड। देखें वी कैन नॉट डिस्प्ले योर DNS इन्फॉर्मेशन बिकॉज योर नेम सर्वर आर नॉट मैनेज्ड बाय अस, मतलब GoDaddy से हमारा नेम सर्वर अब मैनेज नहीं हो रहा, नेम सर्वर मैनेज हो रहा कहाँ से, क्लाउडफ्लेयर से। तो अब यहाँ का जो भी सेटिंग है DNS रिकॉर्ड का वो सारा क्लाउडफ्लेयर से होगा, ठीक है। तो क्लाउडफ्लेयर फिलहाल अभी हम लोग पेंडिंग में है, ये बस 2-4-5 मिनट में हो जाएगी एक्टिव। देखिए रिफ्रेश करते हैं अगेन, मेरे ख्याल से हो गई होगी, यस, देन देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है यहाँ से फुली तरीके से एक्टिव हो गया क्लाउडफ्लेयर में। जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेटस भी दिख रहा है, स्टेटस एक्टिव, दिस वेबसाइट इज एक्टिव ऑन क्लाउडफ्लेयर, ठीक है। ये वेबसाइट जो आपका है क्लाउडफ्लेयर में एक्टिव हो गया, सर्वर नेम टोटली चेंज हो गया GoDaddy का रिप्लेस होकर के क्लाउडफ्लेयर का, ठीक है। अब अभी वेबसाइट को चेक करेंगे आप, तो अभी भी SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं हुआ, ये जस्ट क्लाउडफ्लेयर में हुआ। डेटाबेस आपको DNS वगैरह चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए कनेक्ट हो गया अभी बस, ठीक है। अब SSL सर्टिफिकेट को यहाँ पे HTTPS लाना है, तो उसके लिए क्या करना है, एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद, एक्टिव हो जाने के बाद आपको आना है क्रिप्टो में, क्रिप्टो में जस्ट लॉक यहाँ ताला बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप, देन यहाँ पे देखिए स्टेटस कुछ लिखा हुआ आपको नोट में, SSL सर्टिफिकेट इशूड मे टेक अप टू 24 आवर, 24 घंटे टाइम लग सकते हैं SSL सर्टिफिकेट को इशू होने में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं कि 24 घंटा लगती है, बस कम से कम कभी कभी मेरे तो 5-10 मिनट में हो गए थे, बट आपको वेट करना होगा इसके लिए कि कितना टाइम लग सकता है, बट मैक्सिमम 24 घंटे में ही ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे HTTPS यहाँ पे इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगी। क्रिप्टो में जब आएंगे देन यहाँ पे फ्लेक्सिबल जो दिख रहा है यहाँ पे इसका फुल क्लिक कर दें, ठीक है, ओके। अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने फुल किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप यूनिवर्सल SSL सर्टिफिकेट स्टेटस एक्टिव सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट मेरा, जैसा कि यहाँ मैंने फुल सेलेक्ट किया तो सर्टिफिकेट मेरा एक्टिव हो गया यहाँ से। अब वेबसाइट को चले जाते हैं, हम वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अब अभी भी वो नहीं आई एक्चुअली, बट हो सकता थोड़ा टाइम लग रहा। तो ये एक्टिव तो हो गई यहाँ से, यहाँ फुल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्टिव तो लिखा गया इस पे, रेफ्रेश कर ले देख रहे, इसे एक्टिव लिखा हुआ होगा, बट आपके सर्टिफिकेट पे हो सकता अभी अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि 24 आवर टाइम लग सकती है इसे फुली तरीके से एक्टिवेट होने में, है ना। SSL सर्टिफिकेट इशू में अप टू टेक 24 आवर, तो इतना आपको वेट करना पड़ेगा, इससे कम टाइम में 1-2 घंटे में 110% हो जाएगी, नहीं होगी तो आप मुझे बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका था, पूरा प्रोसीजर था SSL सर्टिफिकेट को अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में इंस्टॉल करने का, बिल्कुल फ्री में, इसके लिए कभी भी आपको कोई भी पे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हाँ, बट आप यहाँ से देख सकते हैं DNS रिकॉर्ड, जैसे कि मैं बताया आपको यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, तो वो कैसे कहाँ से चेंज करेंगे, आपको सारा मैनेज अब क्लाउडफ्लेयर से होगा। यहाँ से ओवरव्यू देख सकते हैं इसका, DNS रिकॉर्ड यहाँ से DNS लिखा हुआ ना, ये देखें सारा DNS का जो सेटिंग्स था सारा यहाँ है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं DNS वगैरह जो भी रिकॉर्ड है, यहाँ से सब कुछ यहाँ से मैनेज होगा। क्रिप्टो यहाँ पे है, यहाँ पे ओवरव्यू है, ये एक्सेस है, और भी ये क्लाउडफ्लेयर में टू मच थिंग्स है जो कि आप अभी स्टार्टिंग पीरियड में है, तो आपके लिए इतना तो काफ़ी है, बट
आगे और भी देखेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे हमारे से। बट कई बार क्या होता है कि बहुत लोग नहीं चाहते कि मेरा DNS रिकॉर्ड यहाँ से हट करके क्लाउडफ्लेयर में आ जाए, ठीक है। उसे चेंज बिना चेंज किए मुझे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल चाहिए विदाउट फ्री में, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। अब इस वीडियो के लिए ये ट्राई कर ले, अगर ये नहीं करना चाहते आप, अपना DNS रिकॉर्ड को नहीं चेंज करना चाहते अपने होस्टिंग सर्वर से लेकर के या फिर क्लाउडफ्लेयर में, तो फिर आगे की वीडियो को वेट करें। आप आगे वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा कि कैसे आप विदाउट DNS रिकॉर्ड को चेंज किए हुए अपने वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो वो आने वाली वीडियोस में आप सीखेंगे आसानी से, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद हो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लेकर किसी कोई डाउट्स प्रॉब्लम होगी तो बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। खैर मिलेंगे इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।